शहर कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेश गर्ग ने बताया कि आज छोटी ग्वाल टोली में बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हुए और यह एरिया को कोरोना के मरीज मिलने के कारण 21 दिन के लिए कंटेनमेंट कर बंद कर दिया गया है, पर आज अचानक 200 फीट तक खोलकर फिर से बैरिकेडिंग की गई, जिससे व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज हो गए और नाराजगी के चलते उन सभी ने एकत्रित होकर मुझे फोन लगाया। उसके बाद मैं वहां पहुंचा और मैंने कलेक्टर और एसडीएम को फोन कर बात की और व्यापारियों को रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों से मुलाकात कराई। उसके बाद एसडीएम अध्यक्ष मरकाम और तहसीलदार दोनों मौके पर पहुंचे तो व्यापारियों ने उनसे अपनी बात कही और कहा जल्द ही पूरे व्यापार को खोला जाए और जो यह 200 फीट बैरिकेडिंग हटाई गई है इसे वापस उसी स्थान पर लगाया जाए जहां थी। अगर व्यापार होगा तो सबके लिए होगा और बंद रहेगा तो सभी का बंद रहेगा। हम प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं पर हमारे साथ गलत ना किया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर अधिकारियों ने तत्काल पूर्व पे जैसी बैरिकेडिंग की थी वापस की और जल्द ही व्यापार को पूर्ण रूप से खोलने का आश्वासन दिया। सभी व्यापारियों की ओर से शहर कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेश गर्ग ने पूरी बात रखी और अपनी मांग को मनवाया। मुख्य रूप से व्यापारियों में अटल चोपड़ा, चिंटू चौहान, अनिल कुकरेजा सहित 100 से ऊपर व्यापारी मौजूद रहे। इंदौर से बाबा यादव की रिपोर्ट। व्यापारियों को हित चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि व्यापार जल्दी खुले, इसलिए हम लोग पूरा बंद किया। बोला बोला सर, बंद तो मैंने बोला वापस से कितना सा निवेदन और भले चार दिन बाद आप पूरा हमारे लोग भी संक्रमित हुए, जो सब मेरे परिचित है घर के, वो लोग संक्रमित हुए।